धन्यवाद सभापति महोदय। आज हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो डिमेंशिया से पीड़ित है उनकी देखरेख और जरा रोग देखरेख सुविधाओं का उपबंध करने और उससे सशक्त या उससे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए जो यह विधेयक लाया गया है, मैं उसकी सराहना करती हूं और श्री भृतहरि महताब जी को इस विधेयक के लिए मैं धन्यवाद भी देती हूं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग वरिष्ठ नागरिकों का है और इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। लगभग सभी वरिष्ठ नागरिक जरा रोग से पीड़ित होते हैं। ऐसे रोग से कई पीड़ित व्यक्ति को उनके बच्चों द्वारा देखरेख नहीं की जाती है और उनका परित्याग भी किया जाता है। इस जरा और डिमेंशिया रोग से पीड़ित लोगों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। आजादी के 65 वर्ष के आसपास की पीड़ित जब सोचती है कि उसने क्या पाया और क्या खोया, तो उसके सामने सिवाय शून्य के कुछ भी नहीं होता। आदरणीय सभापति महोदय, हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, लेकिन भारतीय समाज में बुजुर्गों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। वर्तमान दौर में बढ़ती जिस तरीके से परिवार द्वारा क्षमता से ज्यादा खर्च और कर्ज से गड़बड़ाते बजट का प्रभाव बुजुर्गों के जीवन पर भी पड़ रहा है, साथ ही हमारी आर्थिक और वित्तीय नीति भी बुजुर्गों को कोई सराहना नहीं दे पा रही है। डिमेंशिया स्मरण शक्ति का न रहना एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज के अनेक व्यक्तियों को प्रभावित कर रही है। यह किसी व्यक्ति के भूलने और उसकी सोच की प्रक्रिया तथा बोलने की क्षमता के बीच संपर्क के टूट जाने अर्थात संपर्क के न रहने की स्थिति में है। जैसे अभी बताया कि भारत का जो रिपोर्ट है 2010 के अनुसार भारत में 3.7 मिलियन से अधिक लोग स्मृति लोप से पीड़ित है, जिनमें से 2.1 मिलियन महिलाएं हैं एवं 1.5 मिलियन पुरुष है। इस आंकड़े का प्रत्येक 20 वर्ष में दोगुना होने की संभावना है। छोटा परिवार सुखी परिवार, इस प्रणाली के चलते हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या का 7.5% थी, जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 12.4% हो जाएगी। हमारे बुजुर्ग देश की वरिष्ठ नागरिक समाज पर बोझ नहीं है, उनसे परिवार को अनुभव मिलता है, वह हमारे संयुक्त परिवार की धुरी है और धरोहर है। देश में हमें भावनात्मक और व्यवस्थात्मक तरीके से काम करना चाहिए। देश में जैसे जानकारी का अभाव है और इनका अभाव होने के कारण कई सम्मानित सदस्यों ने अभी अपने सुझाव भी दिए हैं। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जैसे आयुर्वेदिक उपचार, योग, प्राणायाम कैंप अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जाए, पीड़ित को बीमा तथा मेडिकल क्लेम दिया जाना चाहिए, राज्यों की जो बसें हैं, ट्रेनों हैं, हवाई जहाजों में भी उपचार के साधन होने चाहिए, रोगी कल्याण समिति के तहत क्रियान्वयन होना चाहिए, राज्य व केंद्र को खास बजट इनके जरिए भी देना चाहिए तथा वित्तीय व्यवस्था भी की जानी चाहिए। बुजुर्गों के लिए होम तथा डे केयर सेंटर खोले जाने चाहिए। बुजुर्गों की सेवा के तहत मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ, विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर तथा इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में करिकुलम तथा सर्टिफिकेट कोर्स भी लागू किया जाना चाहिए। इस कोर्स के छात्रों को हॉस्पिटलों में सर्विस के तौर पर अग्रिमता दी जानी चाहिए। हर 3 महीने में सर्वेक्षण के तौर पर एनजीओ के सहायता से लेकर डेटाबेस बनाए जाए, उनको स्पेशल वरिष्ठ नागरिक तथा मेडिकल कार्ड दिए जाए। आशा वर्करों, जैसे अभी बताया, आशा वर्करों एवं नर्सिस को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अगर बुजुर्ग नागरिक पेंशनेबल हो तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उसके मेडिकल भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाई जाए। बैंकिंग प्रक्रिया में भी मरीजों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। वैसे हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी संवेदनशील है। आदरणीय मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहना चाहूंगी और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन पर गौर करें और सही मायने में हम सब वृद्धों की वंदना करें। धन्यवाद।